حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साहबजादा मोहम्मद जुबैर साबरी उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलता रहे। दोस्तों अगर कोई औरत चाहती है कि वो अपने खावंद अपने शोहर की नज़र में महबूब बन के रहे, यानी अपने शोहर की नज़रों में एक महबूब की तरह रहे और शोहर इतनी मोहब्बत करे जिस तरह बंदा एक महबूब को करता है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो शादी के बाद अमूमन मोहब्बतें जो हैं वो थोड़ा ढीली पड़ जाती हैं, लेकिन ये नक्श इस्तेमाल करने से वो औरत हमेशा मर्द की नज़र में एक महबूब की तरह रहेगी। दोस्तों अगर कोई औरत चाहती है कि वो अपने खावंद की नज़र में एक महबूब की तरह रहे तो ये जो नक्श आप सामने देख रहे हैं इसको अपने इस्तेमाल में लाएं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, कोई भी औरत ये वीडियो देख रही है तो इसको हर चीज़ गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। इसका गलत इस्तेमाल किसी और आदमी के लिए मत करें, सिर्फ अपने शौहर के लिए करें, अपने शौहर की नज़र में महबूब बन कर रहे, ठीक है। किसी और मर्द के लिए हरगिज़ ना करें कि मैं ये किसी और लड़के के लिए कर रही हूँ कि मैं फलां आदमी की नज़र में महबूब हो जाऊँ, नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा करने से नुकसान भी होता है, ये याद रखना। ये अमल सिर्फ बीवी अपने खावंद के लिए कर सकती है, ठीक है, जो कि हमेशा अपने खावंद की नज़रों में महबूब बन कर रहेगी। तो दोस्तों करना क्या है आपने इसके लिए, ये नक्श बीवी को चाहिए कि ज़ाफ़रान से लेकर, नक्श का तरीका तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ, जो भी नक्श वाली वीडियो होती है उसमें बताता हूँ कि नक्श किस तरह लिखा जाता है। नक्श हमेशा छोटे हिस्सों से शुरू किया जाता है और इस तरह बड़े से बड़ा हर खाने में तरतीब के साथ नक्श लिखा जाता है। अगर फिर भी नक्श लिखना ना आता हो तो आप इसकी फ़ोटो स्टेट निकलवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये नक्श ज़ाफ़रान के साथ लेकर इसके नीचे अपना नाम विद वालदा, फिर आगे अला हुब, फिर अला हुब के आगे अगले आदमी का नाम विद वालदा लिखना है, यानी पहले बीवी अपना नाम लिखे विद वालदा और दरमियान में लिखे अला हुब, फिर उसके आगे खामद का नाम विद वालदा लिखे और ये तावीज़ अपने परस में हमेशा अपने पास रखे। जब तक ये तावीज़ उसके पास रहेगा वो औरत अपने मर्द की नज़र में हमेशा एक महबूब की तरह रहेगी, ठीक है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।